वेलकम टू गुरुश्री। आज हम पढ़ेंगे आर्ट्स में क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन चैप्टर का नाम है। ओके, तो हम लोग आज इसके बारे में हरप्पा जो सिविलाइजेशन है, कल्चर जो है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। द हरप्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, ये जो है आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियाँ। तो देखिए, ये जितनी भी हाथ से बनाई गई कलाकृतियाँ होती है इंसानों द्वारा, वो कलाकृतियों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट। स्टोन जो होता है जिससे बनती है कलाकृतियाँ, स्टीटाइट इस तरीके का स्टोन होता है। ओके, अब देखिए, ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। अब देखिए, इस स्टीटाइट से सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। एनिमल मोटिव्स होते हैं इस तरीके से। तो देखिए, ये जो होते हैं ये एनिमल मोटिव्स होते हैं, मतलब कि डेकोरेटिव डिज़ाइन जो होती है उनको उभारा जाता है इन पत्थरों पे, है ना। तो ये इसी कलाकृतियाँ बनाते थे वो लोग। तो देखिए, डिज़ाइंस, ये डेकोरेटिव डिज़ाइंस हो गई, है ना। तो ऐसी डिज़ाइंस ये लोग बनाते थे उस पर। जैसे इसका एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये आपको सील दिख रही होगी, है ना, ये तो। और देखिए, साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेंस अनडेसिफर्ड। अब ये जो है इसके साइंस, ये अभी तक हम पढ़े नहीं जा सके हैं, ये अभी तक अनडेसिफर्ड है। आप लोगों को मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ये। तो आपको ये जो है अभी तक ये हम लोग पढ़े नहीं जा सके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड मतलब जो पढ़ा नहीं जा सकता है। येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। तो देखिए, हम लोगों को इन सब चीज़ों से ये बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि ये लोग जो छोड़ के गए चीज़ें, जहाँ पर भी बस्ती उजड़ती है वहाँ पर सारे घर जो रहते हैं वो बिखर जाते हैं और वहाँ पर बस बची हुई चीज़ें रह जाती है, उनसे हम लोग ये पता लगा सकते हैं अभी कि वो लोग किस तरीके से रहते होंगे और वहाँ के लाइफ कैसे जी पाते होंगे लोग, है ना। तो लोग क्या क्या चीज़ें छोड़ के गए, उनके जो घर है जो अब ज़मीन में दबे है अभी, वो वाले घर जो मिट्टी में दबे हुए, पोट्स, है ना, पोट्स जो मिट्टी के बर्तन वगैरह, है ना, ऑर्नामेंट्स जो भी वो चीज़ें यूज़ करते थे, पहनते थे वगैरह, टूल्स जो भी चीज़ें वो उपयोग करते थे, सील्स जो ये सील है इस तरीके की, जो मोहरे वो यूज़ करते थे अपने, वो ट्रेड करते होगे, बिजनेस करते होगे, इन सब चीज़ों में यूज़ करते होगे इन सब चीज़ों को। ओके, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कि इन सब, ये जितने भी मैंने बताए हैं हाउसेस, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट, जो भी चीज़ें वो लोग छोड़ के गए हैं हमारे लिए, वो चीज़ें है अभी हमारे लिए एविडेंसेस। एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब ये होता है कि जो खुदाई करते हैं और खुदाई में जो भी अवशेष हमको मिलते हैं पुराने, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, लेट देखिए, आप लोग ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनके आप मतलब लिख लीजिएगा साथ में, ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। आप वापस से जब चैप्टर पढ़ेंगे खुद से, तब आपको बहुत ही ईजी रहेगा पढ़ने में, और आगे जब ये वर्ड्स आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखने का भी ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए, कि आप लोग इसके थ्रू डायरेक्ट वहाँ से पढ़े। तो आप लोग वर्ड्स का मतलब भी डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है वर्ड्स का मतलब लिखने के लिए, खाली ऐसे करना है, ऐसे इसके आसपास सर्कल बनाना है और आपको फिर ऐसे करके लिख लेना है उसका मतलब, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब डायरेक्ट खुद से इसलिए नहीं लिखवा पा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा, लेकिन जो कुछ बहुत टफ वर्ड रहेंगे मैं उनका आपको मतलब लिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को साथ साथ में उन सब चीज़ों का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आइए फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। अब हम देखते हैं कि कैसे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं और जान सकते हैं आगे। और वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज। देखिए, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीज़ का अनुवाद करना या फिर किसी चीज़ को समझना, है ना। तो अब हम कोई भी हमको सबूत मिलता है तो हम लोग उसका अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ का अनुवाद करेंगे, ठीक है।
तो अब हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज, और इंटरप्रिटेशन बहुत सारी बार चेंजेस भी रहती है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि 10 लोग रहते हैं, 10 लोग अलग तरीका निकालते हैं, सबका नज़रिया अलग रहता है उस चीज़ को देखने का. ऑफकोर्स देर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन देट आर एज येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो. तो देखिए, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझने की अभी भी ज़रूरत है, और हम लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने समझी नहीं भी है, है ना. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में पढ़ाते हैं, और हम लोग अभी भी साथ में ही पढ़ा रहे हैं. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. वैसे तो मैंने पूरी तरीके से, मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग दोनों साथ में पढ़ लें, है ना. जो भी टफ वर्ड्स है इसीलिए उनको मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, और आप लोगों को उनको दिखा रहा हूँ पिक्चर्स, ताकि पिक्चर से आपको पिक्चराइजेशन से अच्छी तरीके से वो सब कुछ समझ में आ जाएगा. ओके, अब देखिए इंडस, कुछ टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ आपको. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन कल्चर. देखिए कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ये कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं और पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना. और अगर आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हो, और इन फ्यूचर अगर आपने कॉलेज में हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं आप लोग, तो आप लोग के आर्कियोलॉजिस्ट बनने के भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं. तो आप लोग आर्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और डीप में पढ़ेंगे, तो आप लोगों के आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह और बहुत सारी फील्ड्स है आर्ट्स में, तो आप लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको जॉब्स के बहुत अच्छे चांसेस हैं. ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं. फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक जो भी बहुत सारी चीज़ें जो रहती है, जो भी चीज़ें मिली हुई रहती है, ऑब्जेक्ट्स लाइक कैसे ये जो चीज़ें है, ऐसी चीज़ों का मिलने का जो भी टाइम पीरियड रहता है, एक ही टाइम पीरियड की और एक ही एरिया के अंदर, एक ही टाइम पीरियड में और एक ही एरिया के अंदर जब मिलती है ये चीज़ें, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वर्ड कल्चर का, ठीक है, कि इस कल्चर की समान है, ठीक है. इन द केस ऑफ द हरप्पन कल्चर दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स. सील मतलब मैंने अभी जो बताया आपको, सील ये है, ठीक है, ये जो है ये सील है ना. बीट्स, बीट्स देखिए, बीट्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, आप लोगों ने कभी यूज़ भी करे होंगे, है ना. बीट्स फ्रेंडशिप के लिए आप बांधते होगे, तो फ्रेंडशिप बैंड्स भी आते हैं इस तरीके से, ठीक है. फ्रेंडशिप बैंड्स में भी आपने उन्हें यूज़ करा होगा इन सब चीज़ों को, ठीक है. इन द केस ऑफ द हरप्पन कल्चर दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील्स बीट्स वेट्स. वेट्स देखिए मतलब 100 ग्राम का वेट, 500 ग्राम का, इस तरीके से वो यूज़ करते थे, अलग अलग पत्थरों का यूज़ करते थे वेट्स के लिए, ना. स्टोन ब्लेड्स, स्टोन ब्लेड्स जैसे ये जो किसी भी चीज़ में वो मतलब जैसे मांस वगैरह काटने के लिए वो स्टोन के ब्लेड्स को यूज़ करते थे. एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स, बैक्ड ब्रिक्स मतलब कि जली हुई ईंटें, जो मतलब पकी हुई ईंटें जो रहती थी उनको भी यूज़ करते थे वो लोग. दिस ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात तक. तो देखिए ये अफगानिस्तान से लेकर के मतलब तीन देशों में ये इतना बड़ा एरिया में बटे हुए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा इंडिया, हमारा जो गुजरात वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया है जो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान तक ये चीज़ें फैली हुई है और ये हमको मिली हुई, ठीक है. नेम्ड एंड आफ्टर हरप्पा. अब देखिए इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया, इसके लिए भी देखिए बहुत अच्छी चीज़ है. द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड. देखिए हरप्पा जो गांव था वहाँ पर ये पहली जगह थी जहाँ पर, देखिए रेलवे लाइन उस टाइम पे बन रही थी, रेलवे लाइन स्टार्ट हो रही थी, और उस टाइम पर इसको ये हरप्पा का जो, मैं आपको इसकी पूरी कहानी भी सुनाऊँगा बाद में, तो हरप्पा गाँव में उनको ईंटों की ज़रूरत थी, और ईंटें जो मिली थी हरप्पा गांव के अंदर मिली थी, और फिर नीचे से पूरा शहर का पूरा शहर मिल गया इनको, ठीक है. तो आपको इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैं अभी बाद में सुनाऊंगा, ठीक है. देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स. देखिए इसको मैं इसका टाइम पीरियड बता दूँ, 2600 BC से 1900 BC का इसका टाइम पीरियड था, ठीक है. अगर आपको डेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको डेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चित रहिए. अभी आप बस ये समझ लीजिए कि 2600 BC से इसका टाइम पीरियड था, 26 BC से 1900 BC का, ठीक है. देयर वर लेटर एंड अर्लियर कल्चर्स ऑफन
कॉल्ड अर्ली हरप्पन एंड लेटर हरप्पन इन द सेम एरिया। अब इसी सेम एरिया के अंदर जो यहाँ पर जहाँ से हड़प का कल्चर मिला है, इसी सेम कल्चर में दूसरे भी कल्चर हो गए, मतलब इसके पहले वाले और हड़प्पा कल्चर के बाद वाले, तो उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अर्ली हरप्पन और लेट हरप्पन। ठीक है, जो हरप्पा कल्चर के पहले वाली जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो 2600 बीसी के पहले, मतलब कि 3000 बीसी या 2800 बीसी, 2700 बीसी, इन सब के लिए यूज़ करते हैं वर्ड ये वाला, कौन सा? अर्ली हरप्पन। ठीक है, अर्ली हरप्पन इसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है। और जो इसके बाद से है, जो 1900 के बाद से है, यानी कि 1800, 1700, 1600, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लेट हरप्पन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इन द सेम एरिया, ठीक है, द हरप्पन सिविलाइजेशन समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दिस कल्चर। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको कभी कभी मैच्योर हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है। आपको इसमें जब बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें मैच्योर हरप्पन कल्चर कहा जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया हरप्पन कल्चर, इसको कहा जाता है मैच्योर हरप्पन कल्चर। ठीक है, अब इसके जो पहले वाली चीज़ें हैं, मतलब कि 2600 से पहले वाली, तो 2700 या उसके आगे वाली है ना बीसी, तो इनको कहा जाता है अर्ली हरप्पन कल्चर। ठीक है, इनकी इनमें जो चीज़ें मिली है उनको, अब इसके बाद जो चीज़ें मिली है उनको कहा जाता है लेट हरप्पन कल्चर। ठीक है, मतलब कि जो 1900 के बाद की, जैसे 1800 हो गया है ना, 1800 बीसी वगैरह ये सब हो गए, इनको कहा जाता है लेट हरप्पन कल्चर। ओके, द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द दिस कल्चर। तो इन आसपास वाले कल्चर्स से, मतलब इसके पहले वाले कल्चर्स से, पहले वाले कल्चर्स और बाद वाले कल्चर्स से इस हरप्पन कल्चर को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड मैच्योर हरप्पन कल्चर। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, वो हमको इस तरीके समझाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ देखिए मैं आपको मैप बताता हूँ कहाँ कहाँ पर मिला है ये। तो देखिए, मोहनजोदड़ो इस तरफ है, ये सब पाकिस्तान के एरिया है। ठीक है, और ये हमारी इंडस रिवर जा रही है, इंडस रिवर के आसपास ही ये वाले एरिया थे। अब देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं बिफोर प्रेजेंट, ये बिफोर प्रेजेंट जो हम यूज़ करते हैं 1950 के पहले वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि 1950 में ये हुआ था कि जो मैं आपको एक काम करूँगा, इसके लिए ऊपर मैं एक वीडियो बना ही रहा हूँ, तो मैं आपको उस वीडियो में ही पूरा सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो इसके लिए अलग से दे दूंगा डेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके, बिगनिंग्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग कैसे इसकी हुई थी। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हरप्पन, जिसको हम अर्ली हरप्पन कल्चर कहते हैं। दिस कल्चर वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म। देखिए, जो ये इसके पहले वाले जो अर्ली हरप्पन कल्चर वाले जो थे, जो हरप्पा कल्चर से पहले के थे, उनमें जो चीज़ें मिली है, उनके जो पोटरी है, जो बर्तन वगैरह जो मिले है, वो थोड़े से अलग है ना। पोट्री मतलब बर्तन वगैरह जो भी है, गारे के बर्तन, वो अलग मिले हैं, है ना, अलग टाइप के हैं वो। एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, और इसमें इनके ये भी ये मिले हैं एग्रीकल्चर के, जो इनके मिले हैं खेती करने के तरीके, वो भी अलग है मैच्योर हरप्पन कल्चर वालों से। और पेस्टोरलिज्म मतलब कि जो चरवाहों का जो है, मतलब कि जो घास चराने के लिए, या फिर जो भी देहाती या फिर चरवाहे जो सिस्टम था गांव से रिलेटेड, वो भी अलग है। तो पेस्टोरलिज्म आप लिख लीजिएगा चरवाहे। ठीक है, पोट्री में लिख लीजिएगा गारे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। ठीक है, और इनका जो क्राफ्ट सेटलमेंट था वो स्मॉल था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे जो सभ्य समाज जो जब भी सभ्य समाज जो रहा है सबसे पहला इंडिया के अंदर, वो हरप्पन कल्चर ही रहा है, हरप्पन सिविलाइजेशन ही रहा है। सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है सभ्यता। ठीक है, इसके पहले जो थे लोग, वो थोड़े से कम सभ्यता में थे, है ना, एक समाज कम समाज, मतलब अच्छे, इतने अच्छे समाज में नहीं जी रहे थे जितना अच्छा समाज हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हो गया था। इट अपियर्स दैट देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन।
तो देखिए ऐसा लगता है कि एक ब्रेक आया होगा अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर, मतलब एक ऐसा कोई चीज़ आई होगी जिससे कि बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया होगा। या तो हो सकता है कि अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन के पहले बाद में क्या हुआ होगा कि कुछ तूफान या आंधी या फिर ऐसे लोग आ गए होगी, ऐसी चीज़ आ गई होगी जिसके बाद में अलग लोग बसे होंगे, जिनको जो हरप्पन सिविलाइजेशन वाले अलग लोग बसे होंगे कहीं से दूर से आ करके, ठीक है, और उन लोगों ने बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ों का उपयोग करा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ठीक है। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी सबूत मिले हैं कि लार्ज स्केल बर्निंग हुई है, मतलब कि बहुत लंबे एरिया में जला हुआ मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, सबूत के रूप में। एज वेल एज द एबंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, मतलब कि जो छोड़े हुए कुछ सेटलमेंट्स जैसे कुछ बस्तियाँ छूटी हुई भी मिली है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही छोड़ के चले गए लोग, है ना। तो हो सकता है या तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में आता है कि आंधी तूफान या ऐसा कुछ चीज़ आई होगी जिससे एक साथ सब लोगों के घर उजड़ गए होंगे या फिर सब लोग एक साथ मर गए होंगे। आप लोगों ने मोहन जोदाड़ो मूवी भी देखी है, उसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि एकदम पानी गंगा नदी या फिर ऐसा कुछ बताया है कि पानी का सैलाब आता है और क्या होता है, सिंधु नदी का सैलाब आता है और उससे सिंधु नदी से सब लोग ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा उन लोगों ने भी एक अनुमान लगाया है, ठीक है, उसमें भी ओके। तो ये ऐसा भी हो सकता है आंधी आई हो या फिर तूफान आया हो या कुछ भी, है ना, ओके। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, अब देखिए सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज इसकी क्या है। इफ़ यू लुक एट मैप वन एंड टू, मतलब ये जो मैप वन और टू में आपने देखा होगा, यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हरप्पन कल्चर्स। अब देखिए आपको हमको ये पता चलता है कि मैच्योर हरप्पन कल्चर जो है वो डेवलप हुआ होगा कुछ एरियाज में, है ना, जिससे क्या हुआ होगा कि अर्ली हरप्पन कल्चर से वो कुछ जो हरप्पन कल्चर है मैच्योर वाला वो डेवलप था, मतलब कि जैसे कि एक पुराने से जो एक नई चीज़ होती है वो थोड़ी सी डेवलप एडवांस होती है, उस तरीके से अर्ली हरप्पन कल्चर से जो हमारा मैच्योर हरप्पन कल्चर है वो थोड़ा सा एडवांस रहा है, ठीक है। दिस कल्चर्स ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। अब इनमें कुछ स्ट्रेटेजीज भी यूज़ करी गई है इन लोगों ने। द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हरप्पन जो थे वो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स खाते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग फिश, एट मतलब खाना होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग फिश मतलब वो मछली वगैरह भी खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइट्री प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेड ग्रेन्स। चेड मतलब होते हैं जले हुए, ठीक है, जले हुए जो अनाज होता है उसको चेड ग्रेन्स कहते हैं, एंड सीड्स। उनको आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ये चीज़ें भी मिली हुई है, ठीक है। दिस आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट, ये जो होते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट के द्वारा ये होती है पढ़ी जाती है चीज़ें, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो बोटेनिस्ट होते हैं, बोटेनिस्ट जो पेड़ पत्ते इनके बारे में जो पढ़ते हैं उनको बोटेनिस्ट कहा जाता है। तो आर्कियोबोटेनिस्ट वो होते हैं जो पुराने पेड़ पत्तों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो पुराने खाने वाली चीज़ें पेड़ पत्ते हो गए, पौधे हो गए छोटे मोटे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें बीज बिजवारा जो भी हो गया उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं बोटेनिस्ट, ठीक है। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन, जो स्पेशलिस्ट होते उनको पढ़ने में जो पुराने प्लांट जो छूट गए हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं, ओके। ग्रेन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। अब ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें इनको क्या क्या मिला है, व्हीट मिला है, गेहूँ मिला है, बार्ले मिला है। बार्ले मतलब होता है जो, देखिए बार्ले मतलब जो होता है, और जो इस टाइप का होता है आपको पता होगा, है ना, जो इस टाइप का होता है। उसके बाद लेंटिल, तो देखिए लेंटिल मतलब क्या, मसूर। मसूर ऐसी होती है आपको शायद पता होगा, देखिए मसूर इस तरीके की होती है, ठीक है। उसके बाद में चिकपी, चिकपी मतलब होता है काबुली चना, काबुली चना जो छोले होते हैं उनको चिकपी कहते हैं। सीसेम, सीसेम होते हैं तिल, ठीक है, जो तिल हम जो तिल कुट्टा बनाते हैं, तिल कुट्टा खाते हैं, तिल पापड़ी वो वाले तिल, ठीक है, उसको बोलते हैं सीसेम, ओके। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, अब मिलेट्स भी मिले हैं गुजरात से। मिलेट्स होता है बाजरा, अब देखिए बाजरा
ये है बाजरा, ऐसा होता है बाजरा, ठीक है, मिलेट्स इसको बोलते हैं। ओके, तो ये गुजरात के साइड से मिले हैं। फाइंड ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। अब देखिए जो चावल है वो चावल बहुत कम मात्रा मिले। अब इसका ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पर चावल की खेती नहीं होती होगी या फिर कम होती होगी इस तरीके से, ठीक है। एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स। अब देखिए एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली है, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है हरप्पन साइट्स से, वो कौन सी है, दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, है ना। तो बहुत सारे मवेशियों के मिले हैं, शीप्स की मिली है, जो भेड़े हैं उनकी हड्डियाँ मिली है, गोट्स की हड्डियाँ मिली है, बफेलोस की, भैंसों की हड्डियाँ मिली है ना, सुअरों की हड्डियाँ मिली है, जो सुअर होते हैं उनकी हड्डियाँ भी मिली है यहाँ से, है ना। स्टडीज डन बाय आर्कियोजुलॉजिस्ट, देखिए जैसे आर्कियो बॉटनिस्ट होते हैं उसी तरीके से आर्कियोजुलॉजिस्ट होते हैं। जुलॉजिस्ट वो होते हैं जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। तो आर्कियोजुलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुराने या सड़े हुए जानवर होते हैं जिनकी हड्डियाँ बच गई या अवशेष बच गए उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आर्कियोजुलॉजिस्ट का मतलब ये होता है जो पुराने जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जानवरों को पालते होंगे, है ना। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेशीज सच एज बोर, देखिए बोर मतलब होता है जंगली सुअर, मैं आपको बता देता हूँ, जंगली सुअर इस तरीके का होता है। तो देखिए ये होता है जंगली सुअर, ठीक है। डियर, घड़ियाल, अब देखिए मतलब कि हिरण और घड़ियाल मतलब होता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो हमारा मगरमच्छ होता है उसको घड़ियाल कहते हैं और मगरमच्छ कहते हैं, ठीक है। आर ऑल्सो फाउंड, तो ये चीज़ें भी मिली थी वहाँ से। वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन हंटेड दिस एनिमल्स themselves और obtain meat from other hunting communities। देखिए हम ये नहीं जानते हैं अभी तक कि हरप्पन जो थे, हरप्पा के जो लोग थे वो इनको शिकार करते थे, hunted मतलब शिकार करना, इनका शिकार करते थे इन animals का, या फिर वो खुद से शिकार करते थे, या फिर उनको कहीं से वो मीट मिलता था, जैसे आज हम लोग जाते हैं बाजार में और मीट खरीद के लाते और घर पे पकाते, उसी तरीके से वो लोग करते थे, या फिर वो लोग खुद जानवरों का शिकार करके और घर पे बनाते थे, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, देखिए जो मछलियाँ थी, मछलियों की हड्डियाँ भी मिली है और फाउल्स, फाउल्स मतलब होते हैं देखिए इस तरीके से, ये जो पक्षी होते हैं इनको फाउल्स कहते हैं, ठीक है। मुर्गी, एक तरीके से इनको मुर्गी बोला जाता है, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, अब हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनके पास कैसी थी, ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनके पास कैसी थी। वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि जब एग्रीकल्चर का प्रचार प्रसार चालू हुआ, इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। वो कैसे हुआ कि भैया ग्रेन्स मतलब कि ग्रेन्स मतलब अनाज, है ना। तो अनाज के अनाज से पता चलता है कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर का प्रचार था। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, देखिए आज की तारीख में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उनकी तरह बता पाए, लेकिन फिर भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो किस तरीके से उगाते होंगे या उन लोग कैसे प्रैक्टिस करते होंगे इस चीज़ की कि खेती कैसे करी जाती होगी। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्केटर्ड ऑन प्लव्ड लैंड्स, ये भी हो सकता है कि वो जो रहते होंगे वो स्केटर्ड और ब्रॉडकास्ट मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो वो ये करते होंगे कि बीजों को ज़मीन पे फैला देते होंगे, है ना, प्लफ्ड लैंड्स पर। प्लफ्ड लैंड मतलब ये कि जो हम क्यारियाँ बनाते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, उसको प्लफ्ड लैंड कहते हैं, ठीक है। जो हम ट्रैक्टर से मिट्टी को पलटते हैं उसको प्लफ्ड लैंड कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वॉज नॉन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लफिंग। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन जो होता होगा ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा ऐसे होते हैं जो इसके मिट्टी के बने होते हैं, पीली मिट्टी के, उसको टेराकोटा कहते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, सील्स पर उनका रिप्रेजेंटेशन होता था, मतलब उनको ये दिखाया जाता था इन जानवरों को, टेराकोटा के स्कल्पचर्स को। इंडिकेट दैट द बुल वॉज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लफिंग।
तो इनको जैसे इन्होंने सील देखी, हमने स्टार्टिंग में सील देखी फर्स्ट पेज पर, तो वहाँ पर एक बुल बना हुआ है। तो हमको पता चलता है, इससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि भैया अगर ये बुल बना रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों को ये पता होगा कि उस टाइम पर वो लोग बेल के बारे में या फिर इनके बारे में, सबके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते होंगे कि बेलों को, ऑक्सन मतलब बेल होते हैं, तो बेलों को यूज़ करते होंगे खेती के लिए, खेत पलटने के लिए। जैसे आज हम लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वो लोग क्या यूज़ करते होंगे, बेलों को यूज़ करते होंगे प्लफिंग के लिए, खेत को पलटने के लिए, ठीक है। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लफ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। तो देखिए टेराकोटा मॉडल्स इस तरीके के मॉडल्स है जो हमने फर्स्ट पेज पर देखा है, इस तरीके के जो मॉडल्स है वो जो है हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर? हरियाणा बनावली और चोलिस्तान में देखने को मिले हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लव्ड फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंसेस भी मिले हैं कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर है कि प्लव्ड फील्ड भी होती होगी वहाँ पर, है ना। मतलब कि खेत पलटे हुए खेत की फील्ड भी होती होगी। देखिए खेत जो होता है वो इस तरीके का होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लव्ड खेत होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्लव्ड खेत ऐसा होता है जिससे हम मिट्टी पलटते हैं, ठीक है, ओके। एसोसिएटेड विद अर्ली हरप्पन लेवल्स द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखिए फरोज मतलब होता है यही, प्लव्ड लैंड मतलब कि जो इस तरीके की लैंड है इसको ही फरोज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ये राइट एंगल पर, बिल्कुल एक दूसरे के राइट एंगल पर ये होती थी, है ना। तो इनको ये पता चला कि भैया वो लोग खेत को पलटते तो होंगे किसी भी तरीके से, वो इनको ये चीज़ भी मिली है। सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉस वर ग्रोन टुगेदर। और वो ये भी, और ये भी हो सकता है कि वो लोग दो दो फसलों को एक साथ ही बोते होंगे, है ना। ये भी ये चीज़ बताती है, मतलब उन्होंने राइट एंगल पर इस तरीके से कर रखा है, जैसे एक इस तरफ से कर रखी खेती है ना, और एक इस तरफ कर रखी खेती है ना। तो एक इस तरफ प्लॉट है, एक इस तरफ प्लॉट है, इस तरीके से इन लोगों ने ये, तो इन लोगों ने इनको मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बहुत ट्राई करा है कि वो ये ढूंढ पाए कि कौन से टूल्स यूज़ करते होंगे, कौन से औजार यूज़ करते होंगे वो लोग हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए डिड द हरप्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स। आज की तारीख में आप लोगों ने देखा होगा जो हल होते हैं, मतलब स्टार्ट हम जो आज़ादी के टाइम के भी जो हल रहते थे वो लोग आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, तो उसमें लकड़ी का ब्लेड होता था, ठीक है, लकड़ी का ब्लेड होता था, और लकड़ी लकड़ी के उसमें जो एक लोहे का ब्लेड होता था, ठीक है, लोहे के ब्लेड लगा होता था लकड़ी के हत्थे के नीचे, ठीक है। तो उस तरीके के होते थे, लेकिन इन लोगों के टाइम पे लोहे का इजाद नहीं हुआ था, तो ये लोग किस तरीके का यूज़ करते होंगे ये आर्कियोलॉजिस्ट जानने की कोशिश करते। तो वो लोग या तो लोहे की जगह, लोहे के जो लोहे का जो हत्था होता होगा वहाँ पर ये लोग यूज़ करते होंगे शायद पत्थर को, है ना, एज अ ब्लेड के रूप में, ताकि क्या होता होगा कि खेत की मिट्टी पलट जाए, क्योंकि अगर लकड़ी यूज़ करेंगे तो लकड़ी तो टूट जाएगी, है ना, तो इसीलिए ये लोग इसको देखते हैं, ओके। मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी अरिड लैंड्स। तो देखिए बहुत सारी जो हरप्पन साइट्स है वो सेमी अरिड लैंड्स में भी दिखी है, मतलब ये कि भैया जहाँ पर खेती कम करने लायक होगी, है ना, आधी ही खेती कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी खेती करने लायक जगह। वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन बहुत ज़रूरी होगा। इरीगेशन मतलब कि पानी की व्यवस्था, है ना। तो देखिए बहुत सारी हरप्पन साइट्स जो है वो नदियों के पास में मिली है, तो वहाँ पर नदियों के पास में तो इनको खेती करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर जो खेत, जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर खेती के लिए पानी इतना दूर तक तो ज़मीन उपजाऊ रह नहीं सकती खेती के लिए नदी से, तो ये लोग कुछ ऐसी चीज़ों तकनीक का यूज़ करते होंगे जिस तरीके से यहाँ पर से पानी जा सके वहाँ पर, ठीक है। तो इन लोगों ने इस चीज़ का भी पता लगाया है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव ऑल्सो हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट्स। अब देखिए कैनाल्स जो होती है, कैनाल्स मतलब इंसान द्वारा बनाई गई होती है, ठीक है, जैसे ये कैनाल है,
अब केनाल की भी एक मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा स्विस केनाल की, जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने बनाई थी, और अंग्रेजों को कैसे 7,000 किलोमीटर का फ़ायदा हुआ था, मतलब उनको 7,000 किलोमीटर शॉर्ट पड़ा था इंडिया तक आना, तो वो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, ट्रेसेस ऑफ केनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शोतुगई इन अफगानिस्तान। शोतुगई जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ से ये हमको ट्रेसेस मिले हैं। ट्रेसेस मतलब सबूत मिले हैं कि भैया यहाँ पर भी केनाल का भी इन्होंने निर्माण करा था, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। लेकिन हमको पंजाब और सिंध में इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलती है केनाल्स, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट केनाल सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। अब देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो एंशियंट पुरानी जो केनाल्स है वो सिल्टेड हो गई हो। सिल्टेड मतलब कि मिट्टी के जो गट्ठे होते हैं, मिट्टी से बिल्कुल भुरा गई हो, ठीक है। इस तरीके से जो होती है मिट्टी, उससे भुरा गई होगी ये केनाल्स, और उसका अभी तक अब हमको इसलिए मिल नहीं पा रही हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। ये भी हो सकता है कि वेल्स से, वेल्स मतलब कुएँ होते हैं, ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने कुओं का निर्माण करा होगा और कुओं से पानी निकाल करके वो लोग खेती करते होंगे, ठीक है। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर फाउंड इन ढोलावीरा गुजरात में हैव बीन फाउंड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा कि वो लोग क्या करते होंगे कि रिजर्वायर भी मिला है ढोलावीरा के अंदर, जो ढोलावीरा गुजरात के अंदर है। रिजर्वायर्स वो होते हैं जो पानी को रोक के रखते हैं, है ना। बहुत सारा पानी को हम बचा करके रोक के रख सकते हैं, बारिश के पानी को, है ना, तो उसको बोलते हैं रिजर्वायर। तो ये रिजर्वायर ढोलावीरा गुजरात के अंदर मिला है, हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और रिजर्वायर को भी एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे, ताकि बारिश, जिस टाइम पे बारिश ना आए उस टाइम पर वो लोग रिजर्वायर्स का यूज़ कर सके। मतलब देखिए, आज की तारीख में हम लोग इतने एडवांस है, और उस टाइम पर कितने एडवांस लोग होंगे कि वो लोग रिजर्वायर्स का यूज़ करते होंगे, है ना। ओके, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। अब देखिए, आर्टिफैक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं ये हम बताते हैं अब, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को आर्टिफैक्ट्स कैसे पता लगते हैं, तो देख, आर्टिफैक्ट्स मैंने जो आपको बताया था, बर्तन वगैरह जो भी इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती है, कलाकृतियाँ, उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब होता है पिसाई, ठीक है। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पीसना। तो उनको खाना बनाने के लिए, किसी भी खाने को, जो भी कुछ भी मसाले होते होंगे उनको पीसने के लिए ज़रूरत पड़ती होगी, है ना, तो ग्राइंडिंग मतलब पीसना होता है। इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स। वेसल्स मतलब बर्तन होते हैं, ठीक है, खाना बनाने के बर्तन हो गए, है ना, फॉर मिक्सिंग, है ना, बर्तन भी उनको पीसने के बाद में मिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ को, जैसे दही और शक्कर है, तो उसको मिक्स करने के लिए कोई बर्तन चाहिए होता होगा, ऐसे तो कर नहीं सकते वो लोग, है ना, तो उनको ये भी चीज़ चाहिए होती होगी। ब्लेंडिंग, है ना, ब्लेंडिंग मतलब क्या, कंबाइन करने के लिए कोई भी चीज़ को, है ना, या फिर कुकिंग, खाना बनाने के लिए उनको इन सब चीज़ों के लिए बर्तनों की वगैरह की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। दिस वर मेड ऑफ स्टोन। तो ये जितनी भी चीज़ें होती थी, ये पत्थरों की बनती थी, स्टोन्स की बनती थी, या फिर मेटल्स की बनती थी, जैसे तांबा वगैरह इन सब की बनती थी, या फिर टेराकोटा। टेराकोटा मतलब कि उन जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनसे बनती थी, जो पीले बर्तन मैंने आपको बताया, पीली मिट्टी के बर्तन, है ना। दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो द बेस्ट नॉन हरप्पन साइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमको रिपोर्ट मिली है, ये कहाँ से मिली है चीज़ें, एक्सकेवेशन मतलब कि खुदाई में से कोई भी चीज़ निकालना, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली है हम चीज़ों, हम लोगों को मोहनजोदारो से मिली है। और मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो और हरप्पा दोनों शहर है, और आपने जो मूवी देखी थी ऋतिक रोशन की, वो मोहनजोदारो वो एक शहर है हरप्पन साइट का, है ना, हरप्पन साइट का एक शहर है मोहनजोदारो। ओके, तो अब देखिए, सेडल कर्न्स। सेडल कर्न्स मतलब होता है क्या, जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, खरड़ वगैरह जो भी होती है, देखिए टेराकोटा मैंने आपको बताया, टेराकोटा जो होते हैं बर्तन, इस तरीके के होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। हमारे जो दिए वगैरह बनते हैं वो भी टेराकोटा से ही बनते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, सेडल कर्न्स ऐसी होती है, आपने अपने घरों में भी देखी होगी, ये एक जैसे एक इसको एक जो पत्थर होता है, नीचे एक फ्लैट पत्थर होता है, और ऊपर से हम एक पत्थर से उसको पीसते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो बनती, और पानी डाल डाल के हम उसको पीसते रहते हैं, है ना, तो ये वो होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स। तो देखिए, सैडल कर्न्स जो है
वो खरड़ वगैरह ये पत्थर की, ये भी हमको चटनी बनाने की हमको बहुत सारी जगहों से मिली ही है, ठीक है, और इनफ अमाउंट में मिली है, बहुत सारे काफ़ी मात्रा में मिली है ना। एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। और ये क्या है कि ये हमको पता चल गया है कि वो लोग सीरियल्स दालें वगैरह इनको पीसते हो गए, है ना, ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। और वो लोग क्या करते हो गए, सीरियल्स मतलब दालें होती है, इनको पीसने के लिए यूज़ करते हो गए, है ना, सीरियल्स मतलब दालें हो गई या फिर कोई भी अनाज वगैरह कोई भी इन सब चीज़ों को पीसने के लिए वो लोग करते हो गए, ठीक है, एज दलिया वगैरह। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस। अब देखिए ये जो है ये बहुत हार्ड पत्थरों से बनाए जाते होंगे, है ना, या फिर ग्रिटी खुरदुरे पत्थरों से, रेतीले पत्थर जो होते उनसे बनाए गए जाते होंगे, ग्रिटी मतलब होता है रेतीला, है ना, और या फिर खुरदुरा या फिर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक वो होते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी में वैसे इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा लेकिन फिर भी आप एक समझ लीजिए चीज़ को, इग्नियस रॉक होते हैं जो लावे, जो लावा निकलता है लावे के बाद जो ठंडा होता है लावा कुछ सालों के बाद में, उससे बनने वाले जो पत्थर होते हैं उनको इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। वो तो इग्नियस रॉक का एक अच्छा एग्जांपल हमारी जो गिट्टी होती है वो भी इग्नियस रॉक होती है, और सैंडस्टोन, सैंडस्टोन होते हैं ना जो एंड मोस्टली शो साइन ऑफ हार्ड यूजेज। और ये बताते हैं कि भैया ये लोग ये जो पत्थर होते थे ये हार्ड यूज़ के लिए उपयोग करते थे लोग, है ना, इनका हार्ड यूज़ करते थे, ठीक है। और एज देयर बेसेस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, इनके जो बेसेस होते होंगे वो अधिकतर कॉन्वेक्स होते होंगे, कॉन्वेक्स मतलब इस शेप के होते होंगे, ठीक है ना। आज आप लोग देखते होंगे आपकी खरड़ वगैरह ये भी इस शेप के ही होते हैं, तो ये कॉन्वेक्स होते होंगे, ठीक है। दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन द मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। तो ये लोग क्या करते होंगे कि इनको धरती में गाड़ देते होंगे और ऊपर से उसको फिर ऐसे रगड़ते होगे तो उससे वो नीचे वाला बर्तन, नीचे वाला जो मिट्टी का वो पत्थर का जो रहता होगा, देखिए जो नीचे वाला पत्थर रहता होगा वो हिलता नहीं होगा, है ना, ऊपर वाले पत्थर से रगड़ने से। तो ये लोग या तो धरती के मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते होगे उसको, या फिर कीचड़ या फिर गारे के अंदर गाड़ देते होगे उसको, मड मतलब गारा या फिर कीचड़, ठीक है, या फिर तो उससे क्या होता था कि रॉकिंग नहीं होती थी उसकी, रॉकिंग मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। तो देखिए इस टाइप के दो टाइप के मिले हमको, है ना, कौन कौन से दो टाइप के, एक तो मैंने आपको बता दिया सैडल कॉन्स, दूसरा टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड दोज ऑन विच अनादर स्मॉलर स्टोन वॉज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो। मतलब क्या, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर उसको हिलाया जाता होगा, रोल्ड मतलब उसको घुमाया जाता होगा, है ना, तो उसको, और पुश्ड मतलब उसको वजन लगा करके धक्का दे करके उसको ये उसको घुमाया जाता होगा किसी भी चीज़ से। जैसे आपने ये पत्थर यूज़ करा होगा तो हम जो भी चटनी बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पत्थर जो है उसको, और ये पहला पत्थर हो गया जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है और ये दूसरा पत्थर है, अब इसको हम क्या करते हैं ऐसे रगड़ते हैं, है ना, ऐसे रगड़ते हैं और ऐसे रगड़ रगड़ के हम लोग इधर उधर इसको हिला करके और उस चीज़ को रगड़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करते होंगे वो लोग। और दूसरे टाइप का जो पत्थर है वो इस टाइप का पत्थर है, आपने ऐसे देखा होगा पाउंडर, इसको पाउंडर कहते हैं, मतलब एक जो है एक यहाँ पर देखिए इसमें और इनमें क्या फ़र्क है कि इसको एक नीचे रखा हुआ है पत्थर और इसको ऐसे कूटते होगे, है ना, तो इस तरीके से इसको कूट करके मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को मारते होगे और वहाँ पर एक पत्थर पे दूसरे पत्थर को रगड़ रहे थे और यहाँ पर एक पत्थर पे दूसरे पत्थर को मार रहे, ठीक है, तो दोनों इस टाइप के मिले हैं, ठीक है। तो अब देखिए विच अ सेकेंड स्टोन वॉज यूज एज अ पाउंडर, तो पाउंडर के रूप में दूसरे पत्थर को यूज़ करते होंगे मतलब मारने के लिए, इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नेदर स्टोन। तो नीचे वाला जो नेदर मतलब होता है नीचे वाला, तो नीचे वाले स्टोन में एक बड़ा छेद करते होंगे, है ना, कैविटी करते होंगे मतलब उसमें एक छेद करते होंगे तभी वो जो ऊपर वाला पत्थर है उसके अंदर घुस पाएगा, नीचे वाले पत्थर के अंदर, इस तरीके से वो लोग यूज़ करते थे। कैविटी मतलब छेद होता है, नीदर मतलब नीचे वाला होता है ना, और पोंडर तो मैंने आपको बता ही दिया ये होता है, ठीक है, ओके। कॉन्स ऑफ द फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज्ड सोली फॉर ग्रेन्स, ठीक है। तो देखिए जो मतलब कॉन्स मतलब आटा चक्की, है ना,
आटा चक्की जो रहती थी उसको भी यूज़ करते होगे ये, और ग्रेन्स के लिए ही यूज़ करते होगे, मतलब अनाज के लिए ही यूज़ करते होगे, अनाज को पीसने के लिए ही एक इस तरीके से आटा चक्की को यूज़ करते होगे ये लोग। द सेकेंड टाइप पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स, और जो दूसरा टाइप का जो है उसको ये काय के लिए यूज़ करते होगे, हर्ब्स के लिए, मतलब हर्ब्स मतलब क्या कि जो भी जैसे जड़ी बूटियाँ होती है उसको ये लोग कूटने के लिए यूज़ करते होगे, जैसे हल्दी को कूटने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो मैंने जो ये बताया पाउडर, इसको हल्दी वगैरह या मिर्ची वगैरह इनको कूटने के लिए यूज़ करते होगे, हर्ब्स वगैरह को, है ना, जड़ी बूटियाँ यूज़ काट इनको करने के लिए, और ये जो है इसको जो बीज होते हैं जो धान होता है उसको पीसने के लिए यूज़ करते होगे, आटा बनाने के लिए वगैरह इसके लिए यूज़ करते होगे इस वाले को, ठीक है। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया है, ठीक है। स्पाइसेस वगैरह को भी पीसने के लिए दूसरा वाला यूज़ करते थे, मिर्ची हल्दी वगैरह, है ना, फॉर मेकिंग करीज वगैरह, जो भी कड़ी वगैरह बनाते होंगे वो, ठीक है। इन फैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन्स। तो देखिए ये जो इसके बाद में, अब देखिए इसके बाद जो पत्थर आए हैं वो इनके डब्ड थे, मतलब कि इनकी कॉपी थी, डब मतलब होता है कॉपी करना, इनके हूबहू बनाना इनको, है ना। तो ये करी स्टोन्स थे, बाय आवर वर्कमैन एंड आवर कुक आज फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूजियम फॉर यूज़ इन द किचन। इसके बाद क्या हुआ होगा कि हमारे जो कोई भी गए होंगे और उन्होंने म्यूजियम से एक मांगा होगा कि हम लोगों को ये किचन में यूज़ करना है, और फिर उसके बाद से ये चीज़ें बनने लग गई। ओके, तो समझ में आया। तो ये जो चीज़ बताई है ये किसने बताई है, ये अर्नेस्ट मैके ने बताई है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सकेवेशन करा है मोहन जोदारो में 1937 के अंदर। इनकी भी हम कहानी आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगी। देखिए इस तरीके के ये मिले हैं हमको, ठीक है, वहाँ से एक्सकेवेशन में इस तरीके के खरड़ वगैरह मिली है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ प्रेजेंट एनालॉजीज, आज की तारीख में आर्कियोलॉजिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, एनालॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। एनालॉजीज़ मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो लोग पुराने लोग यूज़ करते थे, वो उसी तरीके का तौर तरीका यूज़ करते हैं ताकि उन लोगों के बारे में पता लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आपको कैसा लगा लेक्चर आप लोग बताइए हमको, ठीक है। अब ये वीडियो को हम लोग पार्ट्स में करेंगे, इसका आगे वाला पार्ट हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट्स की कोरोना पीरियड के चलते तक में हम लोग आपको फ्री में वीडियोस देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। ये हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, और हम लोगों की एप्लीकेशन भी आने वाली है, अभी 4-5 दिनों में आ जाएगी, तो हम लोग एप्लीकेशन पर भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और एप्लीकेशन भी आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं। देखिए ये वीडियो हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन ये आपका जो कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या भाई बंधु जो भी कोई पढ़ रहा होगा 12th में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोग उनको बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।